हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है मैं अपनी विंडो बालकनी में हूँ। तो विंडो बालकनी इज अ कॉन्सेप्ट जो कि बॉम्बे वालों ने ही डेवलप किया है। तो विंडो बालकनी जो है वो एक तरह से बालकनी नहीं होती है, बट विंडो के बाहर आप इस तरह का एक रेलिंग क्रिएट कर देते हैं जिससे कि वो आपको एक बालकनी का इफेक्ट महसूस हो कि आपके पास बालकनी नहीं है लेकिन फिर भी एक खुली स्पेस आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये विंडो बालकनी गार्डन हमने क्रिएट किया है, राइट। एंड वी हैव मल्टीपल स्मॉल प्लांट्स ओवर हियर या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें आपको मेंटेन करने में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं, बट इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग टू यू। सो इफ यू आर अ पर्सन हु लव्स ग्रीन और यू हैव स्पेस कॉन्स्ट्रेंट, देन दिस इज द बेस्ट वे टू डेवलप इट। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले सारे प्लांट्स को क्लीन कर रहे हैं। थोड़ा सा उसमें कुछ भी कचरा है तो उसको निकाल रहे हैं। जो नीचे बालकनी में अगर कुछ कचरा है उसे हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ये तुलसी हमने प्लांट किए, हम लोग अभी एक ही तुलसी लेकर आए थे, एक केले का प्लांट लाए थे, एक मोगरा लाए थे, तो एक रात रानी लाए थे, तो हम वो सारे प्लांट्स को अभी प्लांट करने वाले हैं। उसके पहले हम ये सारी बालकनी क्लीन करेंगे, उसमें से डस्ट निकालेंगे, जो ट्रेज़ है बालकनी की उसमें से अगर एक्स्ट्रा पानी है या फिर पेड़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं तो उनकी कटिंग करेंगे। बिकॉज गाइज ऑलवेज रिमेंबर, आपको बहुत ज़्यादा पेड़ों को बढ़ने नहीं देना है आपकी इंडोर बालकनी में। यू हैव टू मेंटेन देम, यू हैव टू कीप कटिंग देम ताकि वो हेल्दी रहें और अच्छे रहें, राइट। तो अगर आप देख सकते हैं ये बेल इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी बट उसकी ज़रूरत नहीं थी, सो वी आर जस्ट कटिंग इट एंड गिविंग इट अ शेप सो इट लुक्स ब्यूटिफुल। वी आर रिमूविंग अनवॉन्टेड प्लांट्स, सूखी हुई जड़ें, पत्तियाँ, उन सबको अभी हम निकाल के क्लीन कर रहे हैं। मेंटेनिंग अ बालकनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वहाँ पे कीड़े या कांटे भी लग सकते हैं, आपके यहाँ छिपकली घर कर सकती हैं, राइट। आप देख सकते हैं ये बेल कितनी ज़्यादा नीचे तक चली गई थी हम लोग के बालकनी से, बिल्कुल नीचे तक हमने उसे पूरी निकाल के रिमूव कर दी। राइट, नाउ दिस मनी प्लांट, इसकी ये वाली जो एक स्टेम थी वो इतनी लंबी हो गई थी बट उसमें बीच में कोई पत्ते नहीं थे, तो वी हैव जस्ट कट इट। अभी क्या होगा, नीचे से वो पत्तियाँ आना शुरू होंगी, सो डोंट बी डिसहार्टेंड कि अरे यार मुझे ये कट करना पड़ रहा है। नो, द मोर यू कट इट द मोर हेल्दियर दे विल बिकम। ओके, तो यहाँ पर हम जो बनाना ट्री लाए थे उसे हम इस गमले में लगाने वाले हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप मिट्टी को अच्छी तरह से खोदें। इतना स्पेस बनाए कि बनाना ट्री का जो पूरा स्टेम है वो पूरा अंदर तक जा सके, उसकी जो पूरी रूट्स हैं वो अंदर तक चली जाएं। तो ये देखिए, अभी हमने इतना गड्ढा खोदा है और हम जब इसे रख रहे हैं तो ये अभी भी ऊपर आ रहा है गमले के, तो हमें इसे और खोदना पड़ेगा। तो अभी ये जो बनाना प्लांट है वो रोहित लेकर आया था नवी मुंबई नर्सरी से। वहाँ पर एक नर्सरी है गाइज, अगर आप नवी मुंबई में रहते हैं देन यू शुड विजिट इट। आई विल लीव द एड्रेस, या फिर जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं उस नर्सरी का एक टूर करूँगी। इट इज़ सो अमेजिंग एंड सो रीजनेबल, और आप ये प्लांट देख सकते हैं कितना हेल्दी और फ्रेश है, उसके जो रूट्स है वो कितनी हेल्दी हैं। So that is what we are planting after a long right time now. I am seeing such beautiful healthy plant. ये जो flowering plant है ये भी हमने वहीं से लिया था, and you can see how beautiful it is. ठीक है, ये माटी को थोड़ा सा ठीक करके और सीधा लगाओ क्या, ये जरूरत नहीं? नहीं नहीं नहीं, बस आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। गाइज, आप कभी भी अगर ऐसे प्लांट्स लेकर आए तो आप जो नेचुरल मिट्टी है उसे आप डिस्टर्ब ना करें, बिकॉज वो जो रूट्स है वो ऑलरेडी उसमें अच्छे से बनी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है मिट्टी से। तो आप जो ओरिजिनल मिट्टी है उसको न निकालें, और वैसा के वैसा आप एक पॉट में डाल के उसके आसपास से एक्स्ट्रा मिट्टी को उसमें मर्ज कर दें, इस तरह से।
तो इससे क्या होगा, नेचुरली जो प्लांट ग्रो करता आ रहा है उस पर इफेक्ट नहीं होगा, और जो रूट्स है वो ऑटोमेटिकली जो नई मिट्टी है उसमें बढ़ जाती है, तो आपको उन्हें यू नो निकाल के उसमें ऐड नहीं करना होता है ऑफकोर्स। तो जो अब जड़ें हैं वो पूरी तरह से सारी मिट्टी में एक साथ मिल जाएंगी। कभी मिट्टी दबेगी, उसको थोड़ा सा प्रेस करो अंदर पहले मिट्टी को, क्योंकि देखिए काफ़ी वो ऊपर ऊपर है। हाँ, इस तरह से हल्के हाथ से थोड़ा, और थोड़ी सी और मिट्टी डालो। फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे मिट्टी दब जाती है, तो आपको दो तीन दिन में थोड़ी सी और मिट्टी डालनी पड़ सकती है। कभी भी मिट्टी कम नहीं होनी चाहिए। तो गाइज, ये जो बेलपत्र है, तो रोहित बहुत ही बड़ा शिव भगवान का भक्त है, और बेलपत्र शिव भगवान को चढ़ाया जाता है, तो मैं स्पेशली रोहित के लिए बेलपत्र का ये प्लांट लाई थी। और ये जब हम लाए थे, ये मैंने नर्सरी लाइव से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जब हम लाए थे ये काफी छोटा था, हमें लग रहा था यार इतनी कम जगह में वो बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा, बट अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं पूरा वो घर के बाहर तक निकल चुका है, मतलब घर के एज इन ये जो हमारी विंडो बालकनी है उसके आगे तक वो बेलपत्र निकल चुका है, एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और इसकी ये जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, और ये जो स्टेम जो है वो भी थोड़ी धीरे धीरे मोटी होना स्टार्ट हो गई है। पहले बहुत ही पतली सी स्टेम थी और सिर्फ दो या तीन पत्ते थे इसमें। ये जो आप बैम्बू देख रहे हैं, ये मैंने amazon.in से ऑर्डर किया था, ये नेचुरल बैम्बू कटिंग है, और इसमें आप हैंगिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। अभी हमें वो करना है, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो टॉक अबाउट दिस बैम्बू। तो अगर आपके स्पेस कॉन्स्टेंट है, सो व्हाट यू कैन ट्राई इज ऑल दीज हैंगिंग प्लांट्स। तो जैसे यहाँ पर हमने ये हैंगिंग मनी प्लांट लगाया है, और ऊपर एक और हैंगिंग यहाँ पर है, पेड़ों को क्लीन कर रहे हैं आप उसमें से सूखे पत्ते सूखी डंडियां निकाल दीजिए। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी ये सूखी डंडियां हैं, तो इसे हमें कट कर देना चाहिए। ये आ जाएगा, ये ग्रीन अच्छे से पकड़ लेगा आपको। हाँ, जैसे कि ये पूरा सूखा है ना, ये पूरी सूख चुकी है, एक ये हिस्सा, ये देखो ये कुछ और ही है, ये तोड़ो यार, इसको निकालना ही पड़ेगा। नहीं, इसमें फूटेंगे बेटा। नहीं फूटेंगे उसमें। सत्य है श्री विष्णु जी, परम सत्य श्री राम, परम अवतार है ये दोनों, अलग अलग है नाम। जय श्री विष्णु, जय श्री राम, जय श्री विष्णु, जय श्री राम, जय श्री विष्णु, जय श्री राम, जय श्री विष्णु, जय श्री राम। अभी वी आर प्लांटिंग आवर सेकेंड तुलसी प्लांट। तुलसी बहुत ही हेल्दी होती है गाइज, यू शुड हैव इट इन योर होम, यू कैन यूज़ इट इन योर काढ़ा, यू कैन यूज़ इट इन योर टी, यू कैन ईट इट एज वेल।
मिक्स में नया प्लांट लगेगा। यस अच्छा ना स्पेशियस थोड़ा सा रहेगा। इस प्लांट्स को जो मेंटेन करने में वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं। आई नो लोगों को लगता है यार कैसे मेंटेन होगा, इतना बिजी स्केड्यूल है, बट यू कैन जस्ट टेक आउट एन आवर ऑफ अ टाइम। नाउ यू कैन टेक इट एज अ हॉबी एज वेल। तो हम लोग क्या करते हैं, वीक में एक बार लाइक संडे को हम लोग पूरे प्लांट्स को मिट्टी खोद देते हैं, उन्हें पानी दे देते हैं अच्छे से। पानी तो एक्चुअली एवरी थर्ड डे हम लोग देते हैं, तो कभी रोहित देता है कभी मैं देती हूँ, मोस्टली इट इज रोहित हु डज दैट। बट जब वो बिजी होता है तो मैं पेड़ों को पानी देती हूँ। एंड वीक में हम लोग एक बार पेड़ों की मिट्टी खोदते थे, कोई जरूरी नहीं आप सारे पेड़ों को एक साथ मेंटेन करें। तो जब आपको टाइम मिले आप दो या तीन पेड़ों को पहले मेंटेन कर लीजिए एंड देन यू कैन मूव ऑन टू अदर वंस ऑन द नेक्स्ट वीक। तो इस तरह से क्या होगा, आपका एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा। अगर आपके स्पेस कम है जैसे कि हमारे यहाँ पर है, तो आप वो वाले प्लांट्स लीजिए जिन्हें मेंटेन करने में कम समय लगता है या इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है टाइम का और एफर्ट्स का। बिकॉज आजकल एवरीबडी इज वर्किंग एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम। तो अंटिल एंड अनलेस यू हैव अ हाउस हेल्प, एंड बिकॉज ऑफ कोरोना नाउ इवन दैट इज नॉट पॉसिबल, सो अंटिल एंड अनलेस यू हैव अ हाउस हेल्प, व्हाट यू कैन डू इज ब्रिंग दोज प्लांट्स हु यू नो दैट टेक लेस एफर्ट्स इन मेंटेनिंग। सो इफ यू सी देयर वी हैव अ बैम्बू, और बैम्बू जो है उसे आपको बहुत मेंटेन नहीं करना पड़ता है। सिमिलरली वी हैव बेल पात्र, वी हैव तुलसी, वी हैव केले का पेड़, ऑल दीज आर वाटरिंग प्लांट्स। आपको उन्हें सिर्फ पानी रेगुलरली देना है और उसमें कोई फर्टिलाइजर्स या उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। तो ट्राई टू बाय दोज प्लांट्स। ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप बाहर से प्लांट्स ला रहे हैं तो ये जो ब्लैक पॉलीथिन है वो रिमूव करके ही प्लांट्स लगाए, और जो ओरिजिनल मिट्टी है ये जो बना हुआ है उसे बिल्कुल भी हिलाकर रिक्रिएट ना करें। जस्ट पुट दिस इन द पॉट एंड देन आसपास आप इसे मिट्टी से कवर कर दीजिए। जो रूट्स है वो ऑटोमेटिकली नई मिट्टी और पुरानी मिट्टी में मर्ज हो जाएंगी। दीज प्लांट्स आर सो हेल्दी गाइस। रोहित ये नवी मुंबई जब गया था एक इवेंट के लिए तो वहां से लाया था। अगस्त्य परम अवतार है ये दोनों, अलग अलग है नाम। कंप्लीट लुक ऑफ आवर बालकनी। तो ये जो बैम्बू है इसमें अभी हमें मनी प्लांट लगाना है या फिर हम कुछ भी हैंगिंग प्लांट कोई नया सा लेकर आएंगे। देन वी हैव दिस तुलसी। जो भी एक्स्ट्रा गमले हैं वो हमने यहाँ पर साइड में एक स्टैक करके रख दिए ताकि वो बीच बीच में ना आए। वो जो एक है वो कोरोना की वजह से पाम ट्री था वो सूख गया है, वी आर होपिंग दैट वो आ जाएगा। उसे हमने आज क्लीन करके उसमें एक ग्रीन स्टेम हमें दिख रहा है, सो वी हैव लेफ्ट इट एज इज। देन वी हैव दिस तुलसी। ये जो है ये भी एक बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है, इसका जो नाम है वो मैं आपको लिंक में डालूंगी। देन ये बैम्बू है जो कि अगेन अभी हम लोग रिसेंटली लाए हैं नवी मुंबई से। कई जो नवी मुंबई की नर्सरी है वहाँ के प्लांट्स इतने हेल्दी थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। इसका भी वीडियो आप देखेंगे आने वाले उसमें। देन आई हैव दिस बेलपात्र। फिर ये एक मनी प्लांट यहाँ पर लगाया है मैंने अभी, ये लास्ट वीक ही लगाया था और ये इसमें नए पत्ते ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं। ओके नाउ मूविंग ऑन, वी हैव दिस हैंगिंग मनी प्लांट। तो ये जो हैंगिंग मनी प्लांट है इससे मैंने इतने सारे और मनी प्लांट क्रिएट किए हैं जो कि आप वीडियो के आने वाले पार्ट में देखेंगे। देन वी हैव दिस कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता हम लोग खाने में यूज करते हैं। देन मूविंग ऑन, राइट, दिस इज हाउ दिस कंप्लीट बालकनी इज। फिर ये है एक हमारा फ्लावरिंग प्लांट, इसका भी नाम मैं आपको लिंक में डालूंगी। फिर ये केले का प्लांट है जो हमने हमारी विंडो बालकनी में लगाया है। फिर ये एक और तुलसी। देन दिस इज अडेनियम। आप देख सकते हैं अडेनियम में भी ये फूल आ रहा है।
तो ये जो है ये एक अडेनियम है, ये काफी साल पुराना अडेनियम है, इसे भी एक्चुअली हमें एक बार यू नो माली के पास लेकर जाना है और इसे थोड़ा नरिशमेंट देना है ताकि जो इसका जो ये स्टेम है ये ज्यादा ब्रॉड हो जाए। अभी क्या हो रहा है इसमें ऑलरेडी ये जो दो स्टेम है इससे ज्यादा आ ही नहीं रहे है। गाइज इफ यू नो एनी वे कि जिससे कि हम इसे और यू नो इसमें वो स्टेम क्रिएट कर सकते हैं तो आप प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए। एंड देन दिस इज द लास्ट प्लांट आई हैव, तो दीज आर द फ्लावर्स, ये वाइट फ्लावर है, इसका भी नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। सो या दिस इज माई कम्प्लीट विंडो बालकनी, आप देख सकते हैं इट इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। आई मीन इतने से स्पेस को आप कैसे इतना सुंदर बना सकते हैं, एंड एवरी बडी कैन डू इट। सो आई वुड यू नो लाइक कि अगर आप भी प्लांट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, बिकॉज दे गिव पॉजिटिविटी एंड दे ऑल्सो गिव यू अ मोटिवेशन इन लाइफ। So guys, that's all I have for today's video. Do let me know if you guys liked it. Do like, comment, share and subscribe to my channel. And I'll see you guys next time. Bye-bye. Bye-bye.